निश्चित तौर पर इस बात पर हम आपका ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, जरूरी ऐलान है कि ये जो मैच सुपर ओवर खेला जाएगा उसका किसी भी तरह का रिकॉर्ड यहाँ पर सीरीज के लिए नहीं लिया जाएगा। इस बात पर गौर, चलो मुकाबले को आगाज करें, बबूत चलेंगे, फिर एक बार रुक करेंगे बीच मैदान पर। क्या बढ़िया मुकाबला मचेंद्र सर है, मुझे तो लगता है पूरी टूर्नामेंट की जान हमारी भी निकल गई है। हाई वोल्टेज ड्रामा, रिकॉर्ड ब्रेक देखे मयूर दादा देखे, इसलिए कहते ना अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, भलाई देर से आए लेकिन दुरुस्त आया। मैच देखे, फाइनल से पहले फाइनल मैच है और कयामत से पहले कयामत का नजारा, तूफान मचा दी भाई यहां से, क्राउड देखे यहां से धीरे धीरे जमा होते हुए। ये मैच किसी ने सोचा था भाई 34 का टारगेट था, लेकिन कहते ना छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। क्या मुकाबला देखे राहुल चौहान सर, निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत है। राहुल भीर से लेकर हमारी पूरी कमेंटेटर पैनल से लेकर है, अंपायर से लेकर है, क्राउड से लेकर है, टेनिस क्रिकेट .in लाइव से लेकर है, मयूर दत्त प्रतीक दादा पूरी मैनेजमेंट लेकर है और मेहमान लेकर हैरान हो गए थे। मचिंद्र सर बात करेंगे, एक समय के लिए एकदम से आप कहते ना दिमाग को सून कर देने वाला मुकाबला वो था, निश्चित रूप से कोमा में पहुंचा देने वाला मुकाबला था, लेकिन अब देखते हैं कहानी कुछ बदल चुका है और विवेक जोशी का वो रिएक्शन भी देखने को मिला था। मेंटर का भूमिका क्या होता है उन्होंने बताया, साबित किए, लाजवाब गेम को पलटा है। अब दोनों टीम पे जो गांव पर रहा, जो मोहल्ले पे बैठकर टीवी पर मैच देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे काश आज हमने बदलापुर का टिकट काट लिया होता, काश आज हम मयूर ग्रुप में जुड़ गए होते, काश हम स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति चषक में जुड़ गए होते। कोई बात नहीं, मुकाबला इस आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। अब देखिए सुपर ओवर का मैच है, देखते हैं मैच कहां पहुंचेगा और बतौर सलामी बल्लेबाज। अब देखिए पासा पलट चुका है मचिंदर सर, यहां पर देखिए भादवर टीम को पहले बल्लेबाजी करना पड़ रहा है, तो गेंदबाजी के लिए देखिए बंटी जोशी, दो विकेट रहेंगे, करेज बहुत कुछ निर्भर करेगा करेज का बल्लेबाजी, क्योंकि पिछला मैच ये देखिए गलत कॉल रहा, यहां पर दोनों फील्डर के बीच में कॉल नहीं हुआ और जिसके कारण डर रहा और डर का फायदा करेज को मिला। चंद्र सर देखिए बात करेंगे, बहुत सारा कॉल यहां पर आ रहा है लेकिन माफी चाहेंगे इस वक्त हम कोई भी कॉल उठा नहीं सकते हैं, अगर पुलिस स्टेशन से भी कॉल आएगा ना फिर भी हम नहीं उठा सकते हैं, भला ही अंदर जाना पसंद करेंगे लेकिन इस मैच में रहना पसंद करेंगे। वाडा मैच माफी चाहेंगे जितना भी कॉल आ रहा है, नो रिसीव है, मैच हाई वोल्टेज ड्रामा है भाई। क्या कहना चाहोगे मचिंदर सर, क्या हिरासत में रहना पसंद करोगे या कॉल उठाना पसंद करोगे, मैच उतना तगड़ा फाइट है भाई। गेंदबाज बंटी जोशी फिर से एक बार हैं तैयार रहे, अरे चलिए भाई चौके यहां पर लगा, यहां पर क्राउड फील्डिंग से कोच है लेकिन ताक देना चाहूंगा, क्या मैच खेला गया भाई, भला यहां पर सुपर ओवर का मैच खेला जा रहा है लेकिन पिछला दो तीन गेंद याद कर लीजिए क्या कहानी बदला था भाई। अब देखिए समीकरण जाकर मर गया, टोटल की बात करेंगे, हमें समीकरण की याद आ रही है मचिंदर सर, क्योंकि पिछली इनिंग जो हमने समीकरण बता दे गए, अब 5 रन बनाए, खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो जीतता वही है जो आखिरी दम लड़ता है, लेकिन दोनों टीम ने क्या संघर्ष किया। टीम का स्कोर देखिए 5 रन बनाए हैं, सुपर ओवर का मतलब है दो बल्लेबाज आपके आउट हुए तो फिर शायद आपकी टीम ऑल आउट। और ये चलिए करेश यहां पर तेजी से भागे हैं और गलती हो सकती है क्योंकि आपने विकेट डाल दिया मचिंदर सर, बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, जैसे कहते ना लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। मुंबई ठाणे रायगढ़ जिल्ह्यात चर्चा नावाची हाय घर पर एक विराई आणि साई बाबांचा हात हाय शिरावर मयूर ग्रुपचा जगन्नाथ स्मृती चषक एक नंबर मयूर ग्रुपचा जगन्नाथ स्मृती चषक एक नंबर मयूर ग्रुपचा जगन्नाथ स्मृती चषक एक नंबर मयूर ग्रुपचा जगन्नाथ मचिंदर सर देखिए यहां पर गलती की यहां पर है, जब पर 2 विकेट देखिए आपको दिया जाता है और आपने रनआउट के रूप में विकेट डालते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा भादवर टीम खराब खेला, मैं ये नहीं कहूंगा आरसीसी पेट टीम खराब खेला, लेकिन आरसीसी पेट टीम ने साबित किया भाई काल लगता है लौट कर वापस नहीं आएंगे, गलत, जब तक सुपर ओवर करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बाबू क्या मुकाबला हुआ यहां पर, सांसों को थमा गया, हवा भी रुक गई बाबू, इतना बड़ा मुकाबला हुआ, लाजवाब ये मुकाबला हम कभी ना भूल पाएंगे। अब जंग देखिए भाई बंटी जोशी करेज के बीच में, एक बड़ा तगड़ा फाइट देखिए, खेल मोहब्बत की हो या खेल क्रिकेट का हो अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला, ओ ये देखिए चिंगो चिंगो
बहुत बड़ी मजिंदर सर कहानी क्या रंग ला रही है भाई, ये मैच तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो रहा है। लगता है अभी विक्रम शेलार की फिर एक बार जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। पिछले जब रिव्यू लिया था तो 13 मिनट लिए गए थे, अब कितने मिनट लिए जाएंगे बाबू? जब से मंकट विकेट आया है मचिंदर सर ऐसा लगता है यहाँ पर अगर ये विकेट मिलता है तो मैं कहूंगा विकेट नहीं, आपको विधानसभा का टिकट मिल गया। क्या बात है, आप विधायक बन सकते हैं। बहुत ही बड़ा मुकाबला, लाजवाब मुकाबला दोस्तों। और ये दोनों टीमें ऐसे है ना कि हार मंजूर नहीं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि पेट टीम का सपना है जीत, तो यहाँ पर भादवा टीम को हार बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ये मुकाबला संगीन मुकाबला, बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में। ऐसे लग रहा है कि ये टीमें रात भर खेले, रात भर सुपर हो, हम रात भर कॉमेंट्री करें। क्या बात है, सुपर शेड ऊपर मेरी करियर का मचिंदर सर है सबसे बड़ा ये मुकाबला में मेरी नजर से और मेरे दृष्टिकोण से। और इस वक्त देखिए मेरे फेवरेट कॉमेंटेटर है मचिंदर पाटिल सर है। जब मैंने कॉमेंट्री की शुरुआत किया था 2013 में, तभी भी मेरे पास थे मचिंदर पाटिल सर है। और आज भी देखिए यहां से इस बार नॉट आउट, यस नॉट आउट है, बिल्कुल बचे, बचेंगे तो आर भी लड़ेंगे बाबू, बचेंगे तो और लड़ेंगे। यहाँ से पाल बाल बचे यहाँ पर है, कहते ना किस्मत साथ रहता है लेकिन कब किस वक्त किसके साथ है ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी देखिए बात करेंगे मचिंदर सर, यहाँ से सुपर की कितनी गेंद हो चुकी है? 3 गेंदे बाबू, 4 चौका पहले गेंद पर हुआ, मिलातार 5 रन बने मैदान पर। अब बचा है गेंद 3, क्या उड़ा देगी रातों के नींद से पहले नींद। सुपर ओवर का मुकाबला भाई, एकदम मजा आ गया भाई। मचिंदर सर देखिए फाइनल अभी भी बहुत है, दूर है, लेकिन उससे पहले देखिए ये नजारा कम नहीं है। ओ बांध कर रखे यहां से, और एक मौका, मौका यहां से छूटता हुआ लेग बाई से ग्रन, चिंगो चिंगो मचिंदर सर, ये लेग बाई का रन भी तकलीफ देगा। आज भी गब्बर के बच्चे स्कूल में कहते हैं मेरे पापा ने गलती किया था भाई, जहां पर ठाकुर का हाथ काटा था और पैर कुछ छोड़ा था और उस ठाकुर ने लेग बाय से कुचल कुचल कर मारा था। और ये लेग बाय का रन क्या कहने चाहोगे मचिंदर सर? बाबू पहले गेंद पर चौका था, उसके बाद 3 गेंदें फेंकी गई, लेकिन एक भी गेंद सर्कल से बाहर नहीं जा रही है, यानी कि बंटी जोशी गेंदे नहीं बल्कि आग के गोले फेंक रहे हैं। नहीं बंटी जोशी देखिए अब तो उनके समर्थक यही कहेंगे भाई तू चीज बड़ी है, मस्त 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 मस्त, लेकिन बैटर को दिखाना होगा यहाँ पर कुछ खास मस्त मत है। और वही बाला तरे हैं जो मैच का रंग बदले थे भाई, इस वक्त देखिए स्ट्राइक पर है टीम का स्कोर 6। और ये चलिए बहुत बड़ा अंदरूनी हिस्सा, और ये चौका कहीं ना कहीं एक बार फाइटिंग टोटल की तरफ लेके जा रहे हैं। मचिंदर सर मैच का नक्शा बदल सकता है, फिर से दीवार खड़े हो गए बाला तरे। यस ये मुकद्दर का चौका मिल सकता है बाबू, ये मुकद्दर का चौका कहा जाएगा क्योंकि बल्ले कानून इस तरह गेंद मिट्टू के पीछे। और यदि एक्शन रिप्ले किस पर कर रहा, जितनी ताकत लगाई गेंदबाज ने उतनी ही चालाकी दिखा यहाँ पर बल्लेबाज ने। और ये मुकद्दर का चौका, 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, पहले गेंद पर चौका, 5वें गेंद पर चौका, उसके बाद टीम का स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब अंतिम गेंद अंतिम विकेट मैदान पर। मचिंदर सर फील्डर भाग सकते थे गेंद के पीछे, देखे ये हरियाली मैदान है, ड्यू फैक्टर है, गेंद थोड़ा रुक रुक कर जा रही थी, आपने देखा क्यों कोशिश नहीं किया यहाँ पर। अभी भी देखिए बात करेंगे, एक गेंद बचा है, बाला तरे भाई यहाँ पर पिछले मैच है लगभग जैसे उनका विकेट गिरा तभी हमने शेर पेश किया था कि सारा का सारा उम्मीद जल गई और फिर से एक बार उम्मीद जगाया यहाँ पर वही बाला तरे, लेकिन एक गेंद करेगा मैच का पर्दाफाश, क्या सुपर ओवर को बड़ा बनाएगा? ओ ये देखिए सुपर ओवर को बड़ा बना दिया बाला तरे भाई यहाँ पर 1 के 47। ये मुंबई ठाणे रायगड जिल्ह्याच्या चर्चा नावाची हाय खरोखर, एक विराई आणि साईबाबांचा हात हाय शिरावर, मयूर ग्रुपचा जगन्न स्फूर्ती चषक एक नंबर, मयूर ग्रुपचा जगन्न स्फूर्ती चषक एक नंबर, मयूर ग्रुपचा जगन्न स्फूर्ती चषक एक नंबर, मयूर ग्रुपचा जगन्न स्फूर्ती चषक एक नंबर। मचिंदर सर ये छक्का बाला तरे का, क्या यहाँ पर आरसीसी पेट टीम के दिल में ये चल रहा होगा हारे 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 हम तो दिल से हारे, क्योंकि बाला तरे ने जड़ दिया आखिरी छक्का। बाला तरे का छक्का काफी कुछ रोमांच लाएगा। फिर एक बार दोस्तों बने रहना हमारे साथ, जुड़े रहना हमारे साथ, हमारे वीआईपी डाइस सभी अतिथि मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। और ये मुकाबला काफी समय लिया इस मुकाबले ने, लेकिन पूरा पैसा वसूल भी किया।
दोस्तों ये सुपर ओवर का आज के इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला है और इस प्रतियोगिता का ये दूसरा मुकाबला, क्योंकि कल भी पहला मुकाबला सुपर ओवर में खेला गया था। रात के बज चुके हैं 9:27, हम आपसे जुड़ गए चुके हैं, अब दर्शक भी हमसे यूट्यूब के जरिए जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। एक टीम पनवेल तहसील से RCC पेट, एक टीम यहाँ पर बिल्कुल भिवंडी तहसील से बिलोंग करने वाली भादवा टीम के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। ये देखिए हमारे स्टैंड पूरे खचाखच भरे हुए, 14 स्टैंड है और 14 स्टैंड फुल पैक क्राउड हम देख पा रहे हैं। ये है स्वर्गवासी जगन्नाथ मोदी ट्रॉफी का ये नजारा, ये उनकी सफलता है बाबू। इस दौर से प्रतियोगिता आगे गुजर रही है, यानी जिस जुनून के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है और दिन ब दिन प्रतियोगिता में और निखार बढ़ता ही जा रहा है। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 6 गेंदे अब जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। ये सुपर ओवर का मुकाबला अब खेला जा रहा है। इस ओवर में पहले गेंद पर चौका, 5वें गेंद पर चौका और 6ठे गेंद पर छक्का और बीच में 3रे गेंद पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर 2 चौके 1 छक्का 1 सिंगल के मुताबिक रन बने 16 और जीत के लिए 17 की आवश्यकता, यानी कि फिर एक बार खतरा मैदान पर होगा। पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला बाबू, बड़ा मजा आया इस मुकाबले को, हम कभी ना भूल पाएंगे। 9:28, हवा भी रुक गई है, इतना बड़ा मुकाबला हुआ, क्या आग लगी थी इस मुकाबले में। दोनों टीमें मैदान के ऊपर, यस 5000 से भी ऊपर दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है, कहीं भी मत जाना, बने रहना हमारे साथ, क्योंकि आज का क्रिकेट काफी बड़ा बन चुका है। और ये दोनों टीमों ने बाबू सुबह से एक भी मुकाबला अच्छा नहीं हुआ था और हमारी भी मंशा थी कि एक बड़ा मुकाबला हो और बड़े मुकाबले को हम देखें और दर्शकों का पूरा पैसा वसूल हो, क्योंकि दर्शक ऐसे मुकाबले देखने के लिए तरसते रहते हैं और वही मुकाबला मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। जीत के लिए 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, खतरा टला नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीमें जिगरबाज है। मैंने पहले जिक्र किया था कि भादवड़ के जिगरबाज खिलाड़ी और RCC पेट टीम के जहांबाज खिलाड़ी, और जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला। ये शतरंज के बड़े खिलाड़ी है, दोनों टीम में काफी तजुर्बेबाज खिलाड़ी बड़े हैं। अब ये मुकाबला फिर एक बार सुपर ओवर में खेला जा रहा है, चलेंगे मैदान के ऊपर, ये दूसरा मुकाबला सुपर ओवर में खेला जा रहा है। कल भी एक मुकाबला सुपर ओवर में हुआ था, फील्ड का मुआयना करेंगे और बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हैं। बंटी जोशी, सोहेल शेख, जिस सोहेल ने इस प्रतियोगिता में पिछले मुकाबले में 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे, वही सोहेल 9 गेंद पर, और बंटी ने तहलका मचाया था, वो बल्लेबाज मैदान के ऊपर बल्लेबाज के लिए। 6 गेंदें फेंकी जाएगी, 17 रन बना पाएगी कौन सी टीम, जो जीता वो सिकंदर, जो हरा वो प्रतियोगिता के बाहर। फिर एक बार हम तैयार, दिल को थामे रखना, दिमाग को शांत रखना और पैनी निगाह से मुकाबले को देखते रहना और गहरी सोच में डूबे रहना मैदान के अंदर, क्योंकि ये मुकाबला ही वैसा हो रहा है जो हमारे दिमाग को सुन कर रहा है, कुछ भी सूझ नहीं पा रहा मैदान के ऊपर, इस प्रकार से मुकाबला हुआ। तो देखिए चलेंगे गेंदबाज की तरफ, करेश माते गेंदबाजी में आते हुए, जिन्हें हम पुराना छाबल भी कहते, कुट कुट कर तजुर्बा भरा है, और स्टार्ट नंबर है बंटी जोशी, 6 गेंदें 17 रन, 17 का खतरा अभी भी कायम रहेगा, खतरा टला नहीं मैदान के ऊपर। रात के फिजाओं में ये हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं और इसके बाद फ्लड लाइन में मुकाबला देखने का मजा ही कुछ और है, रंगीन माहौल, संगीन मुकाबला। पटकी भी गेंद, पुल किया, खिलाड़ी पहुंच चुके वहां पर, और ये बाला तरे का शानदार कैच, लाजवाब कैच लपका बाला तरे ने और बंटी जोशी के पारी का खात्मा। जिन्हें में बंद कर दिया, यही धुन थी आपकी और सही जवाब दिया पर बाला तरे ने कैच को लपका और पहला विकेट करेश मात्र को मिला और बंटी जोशी के पारी का खात्मा, कप्तान का पारी का खात्मा, यानी कि एक बड़े खिलाड़ी ने एक बड़े खिलाड़ी का शिकार किया मैदान पर। मच्छिंद्र सर, आपको लग नहीं रहा ये मुकाबला कहीं ना कहीं RCC पेट और बाला तरे के बीच में जंग चल रहा है, बल्लेबाजी में भी खलल डाला और देखिए कैच जाकर, अगर ये कैच छूटता था तो यहाँ पर कैच के साथ साथ 2 रन भी मिल सकता था। जी हाँ बिल्कुल, बहुत दबाव था मैदान के अंदर, लेकिन मैं तारीफ करूंगा बाला तरी की, इसीलिए तो तजुर्बा काफी बड़ा माना जाता है बाला तरी का, और यहां से मिला विकेट का नुकसान। आप जीत के लिए 5 गेंदें 17 की आवश्यकता, लेकिन विकेट अब एक ही बची है, यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, इस प्रकार का खेल खेलना होगा अब RCC पेट टीम के लिए। चुनौतियां काफी है, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, हर पल हर दौर में आपको अग्नि परीक्षा से गुजर कर आपकी इम्तिहान देनी होगी मैदान पर। पटकी भी गेंद, लेकिन कैच के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि करना चाहिए था, और यहां से मिलेगा 1 ही रन, विकेट के पीछे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने विकेट संजय देवा पर, 1 रन मिलेगा बाबू, 2 गेंदों का गेंद समाप्त हुआ, 1 रन अब समीकरण बनेगा, जीत के लिए 4 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता।
मजा आ रहा है मुकाबले में, पूरे दर्शक टस्से मस नहीं हो पा रहे, पूरी गौर से देख रहे इस मुकाबले को और गहरी सोच में डूबे कि कौन सी इस मैदान के ऊपर आखिरकार जीत का परचम लहराएगी। और क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला खेला गया, काबिलियत तो दोनों के अंदर है लेकिन डर भी डरा रहता है इस मैदान के ऊपर। जीत के लिए 4 गेंदे 16 की आवश्यकता, क्या यहाँ पर मैदान के ऊपर भादवा टीम जीत का परचम लहराएगी या फिर आईसीसी टीम जीत का माहौल बना पाएगी मैदान के अंदर। 4 गेंदे 16 की आवश्यकता इस मुकाबले में। बाबू 2 घंटे से भी ज्यादा समय गया लेकिन ऐसा लगा कि अभी भी मुकाबला शुरू हुआ, इतना रोमांच था मैदान के अंदर। समय कभी कहां निकल चुका पता नहीं चला, इतना रंगीन माहौल था। ये देखिए खींचकर खेला, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, ऑल आउट। भादवा टीम यहां पर जीत चुकी है, बिल्कुल यहां पर भादवा टीम की शानदार जीत। अब यह मुकाबला बिल्कुल आसान सा हुआ। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे बाला तरे, जिन्होंने यहां पर एक रन देकर एक विकेट भी प्राप्त किया था और 2 कैचेस भी लपके थे और बाला तरे को